शेक हमारा रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से बना लिया। ये देखो यार, बड़ा ही लेवल का और काफी गाढ़ा बना है। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गले में यार कुछ फंस गया, आवाज ही नहीं निकल रही, समझ रहे हो? टपा टप यार गला, फिर भी ठीक है। अच्छा, गोलगप्पे खाए थे इसलिए यार बोला नहीं जा रहा। इस तरह लग रहा है कि यार गले वगैरह फट चुके हैं। आज आपका भाई ना कुछ बनाने लगा है खाने के लिए, मतलब के मिल्क शेक बनाएंगे चॉकलेट वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बार कुछ खाने के लिए बनाएंगे, उससे पहले पकाना पड़ता है, उसके लिए कुछ पाउडर वगैरह लाने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, आज दूसरी बार ट्राई करने वाले हैं। बहुत ही कमाल का ठंडा शेक बनता है, तो अभी थोड़ी देर में बनाना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल वाला आइकन प्रेस कर ले। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। थोड़ी देर तक आप लोगों को मिलता हूँ। अभी यार शाम का वक्त हो चुका है, अभी हमें सबसे पहले चाहिए चीजें वगैरह। तो हमारे पास ये आ जाता है, एक कोको पाउडर है, ठीक है, आप लोगों ने ले लेना है। ये देखो कोको पाउडर चाहिए, जिससे हमने जो अपना है ना चॉकलेट शेक बनाना है। और साथ में हमें चाहिए कस्टर्ड, ये वनीला वाला कस्टर्ड है यार, अभी बाहर आ चुका है। ये देखो हमने कस्टर्ड और साथ में कोको पाउडर चाहिए। इसके बाद हमें दूध चाहिए। अभी मैं असद दोनों की तरफ चलता हूँ, अहमद के पास जाता हूँ, उधर जाके ना हम कुछ चीजें वगैरह वो लेके आते हैं, फिर अपना जो शेक है मीठा मीठा वो ठंडा ठंडा बनाएंगे, बड़ा यार मजे का बनता है। अभी मैं ना अब्दुल्ला की तरफ आ चुका हूँ, अहमद कहीं बाहर गया हुआ है, पट्टी इधर बैठा हुआ है। यार वो चॉकलेट शेक नहीं बनाना? बनाना है, चल यार शुरू करें भाई। ये वर्दी दे हैं यार, ये दर्जी को देना। ये कौन सी वर्दी है? मदरसे की है यार। अच्छा, दे के आनी है? अभी देने चलते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। तो अभी इसके मदरसे की जो वर्दी है ना वो दे के आते हैं। सिलवाले का व्हाइट कलर का सूट है ना? ये देखो, ये देखो व्हाइट कलर का सूट है, सफेद, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद। तो बिल्कुल सफेद कलर का इसका जो सूट है ना, अभी दर्जी दर्जी को दे के आ रहे हैं, ये मोची को दर्जी दर्जी। तो अभी जो है दर्जी है ना उसे दे के आते हैं इसका सूट। अभी अब्दुल्ला का जो सूट है ना वो देने के लिए आ चुके हैं, ठीक है, ये इसका सूट वगैरह पड़ा हुआ है। अभी अब्दुल्ला के सूट का नाप दे के घर वापिस आ चुके हैं। ओए याद आया अब्दुल्ला, यार डेरी मिल्क, ये क्या बात किया मेरे साथ। तो अभी इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। वो फ्रिज में ना आके रख दी है। खोल दो फ्रिज। हाँ खोल दे, खोल दे। ये देख, एक नहीं दो नहीं तीन डेरी मिल्क ये ले आया आज। तो यार जो चॉकलेट वाला मिल्क शेक है ना, बड़ा ही कमाल का बनने वाला है। अभी ये देख सकते हो, तो चीजें वगैरह यार बाइक के साथ लटकी हुई हैं। अहमद भाई यार ये बैठे हुए हैं, हम अंदर ढूंढ रहे थे। यार क्या कर रहे हो इधर? यार वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ये वीडियो एडिट कर रहे हैं, आज हम चॉकलेट मिल्क शेक बनाने वाले हैं। मुझे पता है, मैंने पीना है। तो कैसा बनता है वैसे? मजेदार होता है यार, क्योंकि हमने पहले भी बनाया था, इसने पी के चेक किया था, यार बड़ा ही लेवल का बनता है। तो आज फिर बनाने वाले हैं, देखते हैं कितना मजेदार बनता है या बकवास बनता है। अभी बनाएंगे थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि जो घर वाले हैं ना वो काम कर रहे हैं चूल्हे पे, कुछ चीजें वगैरह बनाई जा रहे हैं। बाहर जो है ना सब्जी सब्जी बेचने वाला आ गया अब्दुल्ला, ये खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे काम, सही है? हाँ जी चलो। चॉकलेट शेक बनाने के लिए रेडी है, हमारी टीम रेडी है, अब्दुल्ला भाई, अहमद भाई और आदिल भाई हमारे साथ है। तो अभी देख सकते हो हमारे पास काफी ज्यादा चीजें आ जाती है बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए चोको पाउडर, मतलब कोको पाउडर जिसे कहते हैं चॉकलेट वाला। इसके बाद हमारे पास ये जो है ना कस्टर्ड वगैरह डाला हुआ है इसके अंदर, ये देख सकते हो। इस तरह चीनी चाहिए, इसके बाद दो कोलियां चाहिए, दो दो चमचियां चाहिए, एक हलाने के लिए ना, हलाने के लिए ये बाउल सा चाहिए इधर, समझ रहे हो? देख सकते हो डांस डूंस करी जा रहे हैं, छुप गया पट्टी, वाह भाई वाह। तो अभी हमने ना दूध कढ़ाई पे रख दिया, ठीक है, चढ़ा दिया, जैसे बाउल वगैरह आई जा रहा है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपना जो है ना सिस्टम वगैरह बना लेना है। अभी जो है ना हम अपने जो है 12 मसाले डालेंगे और अपना जो चॉकलेट शेक है ना वो बनाएंगे, बड़ा ही मजे का बनने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, ये चोको पाउडर जो है ना इसके अंदर डालते हैं, इसके बाद ये कस्टर्ड इसके अंदर डाल लेते हैं, अपनी मिकदार के हिसाब से डाल लेंगे। ये नहीं कि मतलब कोई लेवल है कि इतनी डालनी है या उतनी डालनी है चीज, हमने जो है ना पाउडर जो चॉकलेट वाला है वो थोड़ा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि हम चॉकलेट लड़के दीवाने हैं। इस तरह ये पट्टी भाई बहुत दीवाने, और आदिल भाई आप भाई। और अहमद भाई बहुत बड़े दीवाने हैं, तो इसलिए ये सारे बैठे हुए हैं चॉकलेट शेक पीने के लिए। अच्छा, अभी चॉकलेट शेक गर्म होगा फिर ठंडा किया जाएगा, डेरी मिल्क जो है ना इसके अंदर पड़ी हुई है। अभी जो अपना कोको पाउडर है ना इसके अंदर काफी ज्यादा मैं मिक्स कर लेता हूँ, उसे जो है ना यहाँ पे डाल के, मतलब काफी ज्यादा, और इस तरह ये कस्टर्ड भी डाल के इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे गर्मा गर्म, और फिर इसे हिलाएंगे। अभी जो दूध है ना वो उबल चुका है, ठीक है, उबाल वगैरह आ गया, ये
हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो शेक है ना जल्दी बन जाएगा। अभी अपने जो हिसाब से यार डाला है, ये नहीं कि चमचियां नाप के डाला है, ये देख सकते हो दोनों बराबर ही हैं। अभी इसके अंदर जो है ना डाल देते हैं, और अभी जो है ना इन्हें डालने से पहले थोड़ा थोड़ा जो है ना इसके अंदर दूध डालेंगे। पहले इसे एक छोटा सा लिक्विड सा, जैसे आटा शाटा होता है ना वैसे लिक्विड बना लेंगे इसका, फिर उसके अंदर डालते हैं। कुछ इस तरह से आपने लिक्विड शिक्विड बना लेना है, देखो इस तरह से बबल शबल बीच में कोई भी नहीं रहना चाहिए। अभी जो है ना ये आजू आजू पास आजू, ये देख सकते हो आदल भाई हिलाएंगे हमारा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से डाल ही जाएंगे अपना सारा जो ये हमने गंद बला बनाया है ना इसके अंदर डाल देंगे। ये देखो अभी अच्छी तरह से इसे नचोड़ देंगे कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट का आए। तो अभी हमने ये सारा डाल दिया, अभी कस्टर्ड की बारी है। अभी दूसरी बारी है जी इस लिक्विड की, जो हमने कस्टर्ड वगैरह बनाया, देखो यार कुछ इस तरह से। अभी इसे भी इस तरह से डालेंगे, आगल भाई हमारा हलाई देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा, जैसे पहले लाया था। अभी ये देख सकते हो सारा लिक्विड, समझ रहे हो ना किस तरह का है, समझ रहे हो, सारा इसके अंदर डाल दिया। ये देखो अभी लिक्विड सारा अंदर चला गया। अभी इसे 1 से 2 हजार साल तक इस तरह ही हलाते रहना है। आ चुकी है बारी चीनी की, ये चीनी कुछ इस तरह से डाल देंगे। देखो मैं भूल गया था पहले, अभी चीनी भी डाल दिया है। अभी इसे आहिस्ता आहिस्ता हलाते जाना है और हमारा शेक बन जाएगा। फिर देखो यार पसीने से बुरा हाल हो चुका है, पंखा बंद है, हमारा जो शेक है ना वो बनने के लिए रेडी हो चुका है। अभी जो है ना काफी पतला है, अहमद यार थोड़ा सा ऊपर उठा के चम्मच दिखाओ। ये देखो काफी ज्यादा अभी पतला है, इसे काफी ज्यादा देर तक उबालना है, पकाना है, फिर जाके अच्छे तरीके से बनेगा। अभी काफी देर लगेगी इसे बनने में। तो आपका भाई यार शेफ भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, ऑलराउंडर है, हर काम कर लेता है। चल झूठा क्यों पट्टी भाई, ऐसे ही है ना, सही है, सही है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर इसे बना के आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का बनता है। अभी चॉकलेट डालने की बारी आ चुकी है, क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है। ये देखो 1, 2, 3 और ये देखो 4, मतलब सारी की सारी टुकड़ियां आपके भाई ने अंदर डाल दिया। अभी इसे थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि चॉकलेट जो है ना हमारी अच्छी तरह से खुर जाएगी, फिर हमारा जो है ना ये सिरप बन जाएगा चॉकलेट शेक वाला, फिर इसमें बर्फ डालेंगे और ठंडा हो जाएगा। तो शेक हमारा रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से बना लिया। ये देखो यार बड़ा ही लेवल का और काफी गाढ़ा बना है। अभी इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से, ये देखो, फिर डालेंगे एक बार और, फिर एक बार और, ये बजाएगा ना भिड़ो। ये देखो अभी एक बार थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये देखो हमारा शेक, अभी इन दोनों को ना इसके अंदर फेंटेंगे, हलाएंगे, फिर ये हमारा जो शेक है ना बड़ा ही ठंडा और कमाल का बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से यार फेंटेंगे अपना जो शेक है ना, फिर ये ठंडा हो जाएगा काफी ज्यादा, फिर सब में बांटा जाएगा। 2 घंटों की मेहनत के बाद हमारा जो शेक है ना चॉकलेट वाला बन चुका है। शाबाश बेटा, दुल्ला भाई के हाथ में भी डब्बा भरा हुआ है, मेरे हाथ में भी, अहमद भाई ने पी लिया है, कैमरा मैन है, अभी पी के चेक करते हैं। फुल चॉकलेट का मजा है, मजेदार, बड़ा ही मजेदार बना है, अभी पी के फिर आपको मिलते हैं। तो अभी मैं घर वापस आ गया था, नहा धो के फ्रेश हो गया था, क्योंकि गर्मी से यार बुरा हाल हो गया था। उधर उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग है ना कुकिंग पे था, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओ कैप्टन।